हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं रश्मि, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बना रही हूँ मैं कच्चे आम की टू डिशेस। एक तो आम पन्ना, ये तो आम पन्ना नहीं है मतलब एक तो आम पन्ना और एक मीठे आम की चटनी। हुआ ये कि हापुड़ से ना, मतलब जो सासू माँ है उन्होंने भेज दिए आम, मतलब अपने पेड़ के ही हैं। तो वो बोल रही थी कि ये कच्चे आम है, लेकिन जब इन्हें काट के देखा ना तो ये सारे देखो अंदर से ना पके हुए हैं, सारे पीले हो रखे हैं, पर खट्टे हैं। मैंने खा के देखे, एकदम खट्टे भी नहीं है, थोड़े थोड़े हल्का हल्का सा मीठापन भी है ना। तो अब इनका चार तो पड़ेगा नहीं, और ये कम से कम है 2 से 2.5 किलो। तो मैं इनकी मीठे आम की चटनी और आम का पन्ना बना रही हूँ, ठीक है। अभी तुमने कहा कि इनकी चटनी नहीं बनेगी, अब कह रही हूँ मीठे आम की चटनी, मीठे आम की जो खटाई कहते हैं जिसे यूपी वाली लैंग्वेज। पहले तुम दिखाओ, इसी बात पे पढ़ लेना। ले लो, कौन सा वाला लो? ये वाला सब सेम ही है, कोई भी ले लो। तो ट्विस्ट ये है कि आम का पन्ना मैंने कभी बनाया नहीं है, तो आपको एक सीक्रेट दिखाती हूँ। वहाँ लैपटॉप पे ना रेसिपी चल रही है, दिखाओ। दिख रही है, दिखाओ। हाँ, तो उसे देख देख के ना। बस कॉपीराइट आ जाएगा मतलब। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसे देख के ना मैं फिर ये ट्राई कर लूँ, आम का पन्ना और कच्चे आम की जो खटाई होती है। तुम क्या बोल रही थी? कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं नहीं ये नहीं कह रही मैं। तो उसके बारे में क्या बोल रही थी कि अभी तो तुम बोल रही थी कि अचार के लिए बोल रही थी मैं कि पके हुए आम का अचार नहीं पड़ेगा। मैंने चटनी सुना। कह रही कॉपीराइट आ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा किसी का। उनका प्रमोशन है ही, जिनका देख रहे हैं हम, उनके अच्छे खासे मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए गाइस, खट्टा है। वैसे तो आप एक्सपर्ट होंगे आम के पन्ना और मैं आम का पना बोला करती थी, लेकिन सच्ची कह रही नहीं पन्ना है। मैंने तो पन्ना पना पता नहीं, मुझे तुम बताओ क्या है। पी ए एन एन ए आम का पन्ना बोलती हूँ, तो पन्ना पी ए एन एन ए या पी ए एन ए विद एन ए होता है, पता नहीं हमें। मतलब पी है ना तो पाना हो गया। हाँ, जो भी है। चलो, तो अब क्या है, तो अब ये रेसिपी बना रही हूँ मैं, बहुत सिंपल है गाइस। जब मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। तो अभी अभी पता है क्या चल रहा है, देखो दोनों गैस पे, एक पे आम का पन्ना बनेगा, एक पे आम की खटाई बनेगी, है ना। तो साइड बाय साइड हम दोनों वीडियोज देखेंगे साथ के साथ, और उसके साथ फिर हम बनाएंगे। मैं तो बस आम का पन्ना का जूस पीऊंगी और कुछ नहीं। नहीं, तुम पगल, खटाई भी बड़ी अच्छी लगती है खाने में। अब ना तुम, मैंने आम का पन्ना का भी रखा, माजा में भी आता है। वो माजा में भी आता है ना आम के पन्ने का जूस। तो ये मैंने आम पन्ना के लिए 2 कप पानी में जो स्लाइसेस थे मैंगो पल्प जो था वो मैंने डाल दिया इसमें, इसको वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट करने के लिए। यस राइट सिस्टर, इसे सॉफ्ट करने के लिए। और बाकी अब इस तरफ कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ ऑयल, इस तरफ बनेगी चटनी, इस तरफ खट्टी मीठी चटनी। हाँ, वही। तो इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल 2 चम्मच, जो कि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। मैं क्वांटिटी बताती रहती हूँ, ठीक है। तो ये 2 चम्मच होगा करीब। बस थोड़ा गर्म होने देते हैं।
की खट्टी मीठी चटनी, और इसे मैं अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बन चुकी आम की खट्टी मीठी चटनी, और प्लीज इसे आप ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी। और सच मानिएगा, इट इज वेरी डिलीशियस, है ना। और आप जब इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब हम इसे डालेंगे मिक्सी में, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सौंफ, जो कि ऑप्शनल है, पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि सौंफ की खुशबू हमारे मन को भा जाती है और ठंडी भी होती है। हाँ वही, तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप सौंफ डाल सकते हैं। फिर हम इसे मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। चलो मिक्स कर दो मिक्सर में अच्छे से बंद करके। अब हम इसे अच्छे से छान लेते हैं। अब हम इसमें 1 लीटर बोल रही हूँ 5 कप पानी डालेंगे। मिंट लीव्स लगाएंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 छोटी चम्मच काला नमक, 1, 2, 3। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहे तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। तो हम इसे छोटू से ग्लास में क्या कहते हैं पोर करेंगे। सबसे पहले मुझे नहीं, सबसे पहले भगवान जी को पर भगवान जी पी सकते हैं? क्यों नहीं पी सकते, इसमें प्याज है। यही होता है, तो पहले भगवान जी को भी पी लेते हैं। लग रहा है क्या हम पनासा है? लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पापा को टेस्ट कराते हैं, चलो पहले आप पी के बताओ। इट्स ग्रेट, बट इज आवर डिनर? यस, दिस इज सूप। सूप? नो, दे थॉट इट्स सूप। सूप इज वार्म, दिस इज कोल्ड। आप बताओ ना कैसा बना। वन मोर टाइम आई विल ट्राई। आम पन्ना इज ग्रेट।